एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सभी के साथ मीशो के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए, हर बार की तरह आपको कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का बताना है, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है कि हाँ हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या आप खरीदने वाले हो। खरीदना या ना खरीदना टोटल आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगी क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि अगर हमें खुद के लिए शॉपिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे शॉपिंग कर सकते हैं मीशो से, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जितने भी प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं मीशो की तरफ से उन सबका मैं अभी एक एक करके रिव्यू करूंगी और बिल्कुल सही सही बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो पहले नंबर पर ये जो टॉप मैंने पहना हुआ है, ये वाला जो टॉप मैंने पहना हुआ है, अभी मैं इसका पूरा लुक दिखा दूंगी कि ये कैसा है। और मैं अभी इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। इस पर फॉयल प्रिंट हो रखा है जो कि दूर से देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वर्क है, लेकिन ये सारा फॉयल प्रिंट है। स्लीव्स इसके इस तरीके से हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और ये एक्सेल साइज है जो कि मैंने अपने लिए चुना था एक्सेल साइज, क्योंकि मुझे एक्सेल सही रहता है। कई बार अगर मैं एल मंगाती हूँ तो वो मुझे टाइट रह जाता है और एक्सेल मुझे बहुत ज़्यादा लूज होता है, लेकिन मुझे लूज़ कपड़े पहनना पसंद है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मीशो से मंगा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी अगर आपको एल आता है आप एक्सेल मंगाइए, एक्सेल आता है तो डबल एक्सेल मंगाइए, क्योंकि उसको कम करने की गुंजाइश रहेगी। अगर आप एक छोटा साइज़ या फिर पूरा साइज़ मंगाएंगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत आएगी। तो अभी मैं इसका पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है टॉप। और जब काम लगता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने घर को सुंदर सा अच्छा सा बनाने के लिए खरीदते हैं। तो एक ये है, ये जिसपे हम की होल्डर बोल सकते हैं, हम इसको की होल्डर ही है क्योंकि इसमें आप चाबियां डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कोई छोटा सा शोपीस भी रख सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ उन सभी के मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, प्राइस वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे मुझे याद नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कौन कितने की है, मैं फिर एक आइडिया मार सकती हूँ। तो कई बार क्या होता है आइडिया गलत भी हो जाता है और आइडिया थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर कॉमेंट आते हैं रश्मि आप इतना का बता रहे हो, प्राइस तो इतना है इसमें लिखा हुआ है पिक्चर में, तो मैं इसीलिए पिक्चर्स लगा दूंगी, तो इसका पिक्चर भी साइड में होगा। तो ये जो है इस तरीके का है, लकड़ी का है, काफ़ी अच्छा है इस तरीके से, जो कि आपकी आप अपनी दीवार पर लगाएंगे तो काफ़ी प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। देखिए मैं एक थोड़ा सा, जब ये सारी चीज़ें मैं सेट करूंगी अपने घर में तब मैं आप लोगों को ज़रूर एक पूरा वीडियो दूंगी जिसमें ये सभी सामान आपको दिखेगा मेरे घर में लगा हुआ। तो इस तरीके से है। हाँ थोड़ा सा ये है कि पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन है थोड़ा सा छोटा इतना, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा है, लकड़ी अच्छी है, ये सब भी जो है काफ़ी अच्छे से लगे हुए हैं। तो एक चीज़ ये है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये वाली, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेटल का है और इस तरीके से इसके साथ आपको स्टैंड भी मिलता है। इसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, जो भी इंडोर प्लांट होता है वो आप इसमें लगा सकते हैं, नीचे ट्रे रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, घर के लुक को एकदम से थोड़ा सा चेंज कर देगा, या मैं यूं कहूँ कि बिल्कुल अलग कर देगा जिस भी रूम में या जिस बरामदे में या जहाँ भी आप इसको लगाएंगे, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, लोगों की नज़र खींचेगा ये अपनी तरफ। तो ये है, बहुत ही प्यारा सा है डिज़ाइन, आप देख सकते हैं, और साथ में आपको ये स्टैंड भी मिलता है इसके साथ, और इसमें पानी के लिए भी है, जैसे आप पानी वगैरह डालेंगे तो वो निकलेगा, तो इसके लिए आपको इसके नीचे कांच की या किसी भी तरह की प्लेट आप इसके नीचे रख दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ी सुंदर सी मैं भी खरीदूंगी, कांच की खरीदूंगी, क्योंकि जब हम इसको कहीं लगाएंगे घर पे सजाने के लिए तो प्लेट भी स्टील की तो हम नहीं रख सकते हैं, थोड़ा अजीब लगेगी, तो जहाँ तक है मैं शायद कांच की खरीदूंगी इसके लिए, वाइट कलर की जो ट्रांसपेरेंट में होती है, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत पहले वाले वीडियो पे कि जब मैंने कुछ कांच का सामान दिखाया था कि रश्मि हमारा तो ये टूटा हुआ आया है, तो लीजिए मेरा भी एक चीज़ टूटी हुई आई है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ था, मैंने दिखाया नहीं था, तो आप लोगों को ये रहता है ना कि आपके पास तो आपको आते हैं इसलिए अच्छी जाती है चीज़ें, तो ऐसा नहीं है,
मेरे पास इस बार टूटा हुआ आया है, दो बार हो चुका, एक बार पहले हुआ था बहुत पहले और एक बार अब हुआ है, ये टूटा हुआ आया है। बहुत ही सुंदर था ये, छोटू सा बाउल था कांच का, उसके अंदर इस तरीके के पत्थर थे, इस तरीके के ये, मैं पिक्चर लगा दूंगी तो शायद ये पैक करा होगा ठीक से, क्योंकि बहुत अच्छे से इस तरीके से ये पैक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैकिंग अच्छे से की गई, या तो ये गिर गया है, जो लोग डिलीवरी करते हैं उन लोगों से गिर गया है या कुछ प्रॉब्लम आया है। अब मैं इसको रिटर्न कर देती, लेकिन मैं अपने घर पर थी, जब मैं घर से आई फिर उस आते ही मैंने चेक नहीं किया सामान, उसके दो तीन दिन बाद मैंने चेक किया, तब तक 7 दिन हो चुके थे, क्योंकि मीशो पे सिर्फ 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, आपका सामान आता है आप तुरंत चेक करो और उसको तुरंत रिटर्न कर दो, आप 10 दिन बाद या 9 दिन बाद या 8 दिन बाद उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो, 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, और 7 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को रिटर्न करने के लिए। तो ये मेरा टूटा हुआ है, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा हुआ आपने देख लिया होगा क्या चीज़ है ये, तो कोई बात नहीं, चलो पत्थर तो काम के पत्थर बचे हैं, बाउल अपने आप खरीद लेंगे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, एक टॉप दिखा दिया है, एक की होल्डर दिखा दिया है, एक ये था कांच का बाउल और उसमें पत्थर थे, और एक मैंने 4 चीज़ें दिखा दी हैं और एक ये था। अब मैं आपको लास्ट एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी सी है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी, या तो मुझे ये कांच के बाउल का बड़ा वो हुआ, क्योंकि ये मैंने इसके लिए मंगाया था, इस पे रखने के लिए छोटा सा, खैर इस पे वो बड़ा भी रहता। चलो मैं आपको लास्ट चीज़ दिखा देती हूँ, तो लास्ट चीज़ है ये, मस्टर्ड कलर है लेकिन कलर चेंज आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल रियल कलर आ गया है। मैं इसके साथ कुछ छेड़ाखानी करने वाली हूँ, मतलब कि मैं क्या करूँगी, इसके लिए एक राउंड ग्लास लेकर आएंगे, मतलब शीशा लेकर आएंगे, वो इसके ऊपर टेकेंगे और फिर ये एक छोटे से मेज का या छोटे से स्टूल का काम करेगा, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, मैंने मस्टर्ड कलर चुना था, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, देखिए कलर बिल्कुल रियल आ रहा है अभी इस टाइम पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, और जब हम इसके ऊपर ग्लास करवा लेंगे ना तब भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से भी ये काफ़ी प्यारा लगेगा जब आप इसको कहीं रखेंगे, किसी कोने में या फिर बीच में भी रखते हैं और इसके ऊपर ग्लास रखते हैं, मैं राउंड शेप में कटवा कर लाऊंगी और फिर हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, चाय वगैरह रखने के लिए भी, और छोटे छोटे स्टूलों साइडों में, या फिर ऐसे ही आप बैठे हो, गद्दे आपने डाले हुए हैं नीचे ही, सिटिंग एरिया किया हुआ है, तो इस तरीके का बहुत काम आएगा आपके लिए। और अच्छे से जब हम शीशा रख देंगे ना तो इसके ऊपर हम चीज़ें भी रख सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, इस तरीके से हम सिर्फ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे कि हम शॉपिंग अपने लिए कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने लिए शॉपिंग कैसे कर सकते हैं मीशो से। तो मान लीजिए कि आपको ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है, आप सबसे पहले रेटिंग्स जरूर चेक करिएगा, तो हमने यहाँ देखा 4.1 है, स्टार्स मिले हुए हैं, अच्छी रेटिंग्स है, रिव्यू बाद में चेक कर लेंगे अंदर चल के, पहले इस पर क्लिक करते हैं अगर आपको यही खरीदना है तो, या फिर जो भी खरीदना है उस पर क्लिक करना है, सारा डिस्क्रिप्शन ऐसे खुल के आ जाएगा कि साइज़ कौन सा है या कौन से साइज़ में कितना वेस्ट वगैरह रहने वाला है और फैब्रिक क्या है, स्लीव लेंथ कितना है, तो इस तरह के सारा का सारा चीज़ें आ जाएंगी खुलकर। जब आपको सब कुछ ठीक लगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कलर ऑप्शन है तो कलर चुन लीजिएगा, बाकी यहाँ पे देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, मंगाने लायक है चीज़, और 504 रुपये में ये कुर्ता एंड प्लाजो मिल रहा है, रेयन का है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे साइज मांगेगा, ये आपसे पूछेगा भाई आपको एक मंगाना है दो मंगाना है, तो आपको मान लीजिए एम मंगाना है किसी को, तो कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद पहले से कोई प्रोडक्ट मेरे ऐड टू कार्ट में होगा तो उसको मुझे वो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब ये ऐड टू कार्ट होगा। तो अब हम करेंगे चेकआउट, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या फ़ोन पे करेंगे, मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ तो मैं कैश ऑन डिलीवरी चुन रही हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको वही पैसे यहाँ लिख देने हैं, जो पैसे प्राइस है, जो प्राइस मतलब प्रोडक्ट का है वही यहाँ पे लिख देना है, कर देना है, अब आपको आगे बढ़ना है, फिर दोबारा से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, मेरा एड्रेस यहाँ पर पहले से ही है तो मैं जो है सीधा क्या करूँगी, प्रोसीड कर दूंगी, उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर दूंगी, तो ये हो जाएगा प्लेस,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं उन सभी के प्रोडक्ट कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में मीशो का जो डाउनलोड लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको सभी प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, आपको क्या अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा। और इन सभी चीज़ों को जब मैं यूज़ करूँगी, इनको सजाऊंगी अपने घर में, तब भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से क्या चीज़, या फिर होम टूर में आप लोग देख लेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।